नमस्कार, जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे UAPA इस कानून पर, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस कानून में मोदी सरकार ने, इस सरकार ने अमेंडमेंट किया है और ये अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने जो बातें की है, जो अमेंडमेंट किया है, वो हमारे संविधान के लिए एक धोखा निर्माण करता है, हमारी आज़ादी का, व्यक्तिगत आज़ादी का के लिए धोखा निर्माण करता है। अभी UAPA क्या है, जो कानून में अमेंडमेंट किया है, जो UAPA क्या है और उसमें क्या अमेंडमेंट किया है, ये हम आपके लिए रखेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 का था, उसमें ये बात थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इल्लीगल एक्टिविटी करती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बंदी लगाई जा सकती है, उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का पे बंदी लगाने का काम ये कानून के द्वारा किया जा सकता था। अब इस सरकार ने क्या किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे बंदी लगाने की वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इस कानून के अंतर्गत पहले ही किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है या उसका समर्थक है या उसका प्रचार प्रसार करता है, ऐसा कोई भी आरोप लगाकर बहुत सारे लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता, आदिवासियों के लड़ने के लिए वाले कार्यकर्ता और दलितों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता, माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जेल में भेजा गया है। लेकिन अब जो सरकार ने अमेंडमेंट लाया है, वो उससे भी खतरनाक अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्या है, ये अमेंडमेंट ये है कि पहले जो इस कानून के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता था और सरकार अपनी एक लिस्ट है Schedule 2 में, इस कानून के अंतर्गत उस Schedule 2 में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देती थी और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी बंद करनी पड़ती थी और उससे जो भी जुड़े हुए लोग थे वो या तो उनको सरकार पकड़ती थी या वो फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। अब सरकार ने क्या किया है, अब ये वाली सरकार ने उसमें एक और चीज़ जोड़ दी है, एक और अमेंडमेंट जोड़ दिया है। अब ये अमेंडमेंट क्या है, इसमें सरकार का कहना है कि अब सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप नहीं होगा, एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करके एक नई लिस्ट बनाई जाएगी Schedule 4 इस कानून के अंतर्गत और उसमें उसका नाम डाल दिया जाएगा और इतना ही नहीं, उसका नाम डालने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा और बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई केस के, बिना कोई ट्रायल के उसको बंदी बनाकर रखा जा सकता। ये कानून जो है, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनका सरकार के मत से सहमति ना हो, सरकार के धोरण से सहमति ना हो, आदिवासियों का अगर कानूनों का उल्लंघन हो रहा है या आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सरकार उन पे दमन कार्य करती है, तो जब वो उसके विरोध में खड़े होते हैं या उसके विरोध में कोई आंदोलन करेंगे तो उस व्यक्ति को भी आतंकवादी करके इस कानून के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, ऐसे ही दलितों के लिए, ऐसे ही माइनॉरिटीज़ के लिए। तो क्या इस देश में हमें संविधान ने अलग सुर या अलग बात कहने की आज़ादी नहीं है क्या, क्या हमें सरकार के हाँ में हाँ मिलाना होगा, जो चीज़ सरकार को अच्छी नहीं लगती है वो हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या? ये सारे जो है सरकार के कामों की आलोचना करना, सरकार के कामों के विरुद्ध में बोलना, सरकार के कामों के विरुद्ध में काम करना और ये सरकार के कायाकल्प पे काम के विरोध में काम करना और सवाल उठाना, क्या ये देशद्रोह होने वाला है, ये सवाल हमारे सामने है। और इसमें क्या क्या बातें आती है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से संविधान के खिलाफ है। Article 14 संविधान ने जो कलम 14 दिया है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये तीनों आर्टिकल का मूलभूत जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार, जो हमारे अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता,
ना पार्लियामेंट छीन सकती है, ना जुडिशरी छीन सकती है, ऐसे जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए हैं उसे ही छीनने का काम जो है ये सरकार कर रही है। कैसे? कानून में ये बात हर तरह से लिखी हुई है कि हर एक व्यक्ति को अपना मत, अपना विचार, अपना एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है। वो कोई कविता लिखकर अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, लेख लिखकर अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, नारे लगाकर अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, कार्टून बनाकर अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, फिल्म बनाकर अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, मोर्चा निकालकर अपनी बात कह सकता है। तो ये जो मूलभूत अधिकार है, और हम ये कह सकते हैं कि हम सरकार से सहमत नहीं है, सरकार की हम आलोचना कर सकते हैं, वो जो अधिकार है, अगर ये अधिकार का हम उपयोग करते हैं तो सरकार ये हमें टेररिस्ट करके उस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि सरकार के पास टेररिस्ट कौन है उसकी कोई परिभाषा सरकार ने नहीं दी है। कानून में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि इन लोगों को हम टेररिस्ट मानते हैं या ये एक्टिविटी जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी है और उसको हमको रोकना है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि सरकार जो बोले वो गैर कानूनी एक्टिविटी। यहाँ पर कोई भी न्यायाधीश का प्रोविजन नहीं है कि हाँ सरकार को लगता है कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी इलीगल है, और वो हमें पकड़ के कोई जज के पास लेके जाए, जज के पास सुनवाई हो और जज ने कहा कि हाँ भाई इसकी एक्टिविटी जो है वो गैर कानूनी लगती है, इलीगल लगती है, टेररिस्ट लगती है और इसलिए इसको डिटेन करके रखना जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो हमारे जितने भी अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 का अधिकार है, वो इससे पूरी तरह से छीन लिया जाता है। दूसरा जो हमारा अधिकार है वो है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ कहता है कि हमें डिग्निटिफाइड, हमें एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो ये कानून जो है हमारे सम्मान के साथ, डिग्निफाइड, डिग्निटी के साथ जीने का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है। सरकार यदि हमें पकड़ती है और टेररिस्ट घोषित करती है और ये कानून के अंदर का हमें जेल में डाल दिया जाता है और एक आतंकवादियों की सूची में हमारा नाम डाल दिया जाता है, तो ये हमारे रेपुटेशन का, हमारे लाइफ का, हमारे जीने का, सभी के अधिकारों का उल्लंघन है और उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो सरकार, वो एक बार हमारा रेपुटेशन चला गया और हमें स्टिग्मा लग गया कि हम टेररिस्ट हैं, तो उसके बाद जो है हमारी जिंदगी जो है नर्क की तरह बन जाएगी। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है यह भी जो है इसका भी उल्लंघन ये कानून करता है और उसके लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हमको रिड्रेसल मिल सके। तीसरा जो हमारा उल्लंघन होता है वो होता है राइट टू इक्वलिटी का। सभी नागरिकों को समानता के अधिकार पर ट्रीट करना चाहिए, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और सरकार ने जो भी कानून बनाना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। राइट टू नेचुरल जस्टिस होना चाहिए कि हमारी भी बात सुनी जाए। इस कानून में हमारी बात सुनने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। हम अपनी बात कहां पर रखेंगे? एक बार सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है जिससे हम न्याय व्यवस्था के बाद पास अपनी बात रख सके। तो ये भी हमारा अधिकारों का उल्लंघन है। तो इसलिए ये कानून जो है एक तरह से जो भी विरोध कर रहा है सरकार का, उनके लिए एक भय और डर दिखाने का एक बहुत बड़ा हथियार उनके पास आ गया है। शायद वो सब लोगों को इस कानून में नहीं डालेंगे, कुछ गिने चुने लोगों को डालेंगे, लेकिन दूसरे सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि हमारे पास UAPA का कानून है, हम आपको कभी भी जो है वो अंदर डाल सकते हैं। अपने विरोधियों को कंट्रोल करने के लिए, अपने विरोधी पक्ष के नेताओं को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा जो भी आवाज, पत्रकारों को कंट्रोल करने के लिए जो भी आवाज सरकार के खिलाफ दिखती है उसको सबको डराने, धमकाने और कंट्रोल करने का ये हथियार जो है ये मोदी सरकार ने लाया है, इसका तीव्र विरोध होना चाहिए। कल कश्मीर के लोग, जो उन पर अत्याचार हो रहा है या उन्हें ऐसा लगता है कि हम पे अन्याय हुआ है, हमारे साथ धोखाबाजी हुई है, और वो
अपना विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे तो आप बोलेंगे वो देशद्रोही है, आप बोलेंगे कि वो आतंकवादी है और आप उनको अंदर कर देंगे। तो ये पूरी चीज जो है वो एक खतरनाक है। संविधान जो होता है वो उसका काम है कि सरकार के अधिकारों पर नियंत्रण रखना। सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि लोगों के मूलभूत अधिकारों पर उल्लंघन हो। तो इस कानून के विरोध में कई लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और वहां पर अभी पिटीशन पेंडिंग है। लेकिन अगर लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, अगर लोगों ने इसके ये नहीं किया, तो इस देश का फंडामेंटल जो डेमोक्रेसी है, विरोध करने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है, अपना व्यक्त मत व्यक्त करने का अधिकार है और एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, वो सारे अधिकार जो है हमारे छीन लिए जा सकते हैं। और या तो हमको जेलों में रहना पड़ेगा इन अधिकारों का अपना लेने के लिए, या फिर हमको डर कर सहम कर रहना पड़ेगा, हमारे मूलभूत अधिकारों से हमको वंचित रहना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो इसलिए सभी को अब निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। ये जरूर बताया जाएगा सरकार की ओर से कि ये आतंकवादियों के खिलाफ है, ये मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ है, या ये नक्सलवादियों के खिलाफ है। इसके नाम पर देशभक्ति के नाम पर, देशद्रोहियों का नाम लेकर इसके नाम पर ये कानून जो है आम लोगों पर डालने की कोशिश सरकार की है। इसका तीव्र विरोध होना चाहिए और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कानून को देखें और अपना मत व्यक्त करें। ये वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में अपना मत लिख सकते हैं कि आपका क्या मत है इस कानून के बारे में। धन्यवाद। जनता का इना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को